वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, तो इसलिए फ्रेंड्स आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको लॉस हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स ये वीडियो फ्रेंड्स पूरा देखिए। ओके फ्रेंड्स तो वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क क्या है। तो फ्रेंड्स ऑप्टिकल डिस्क का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि ऑप्टिकल डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोर करने का एक माध्यम है फ्रेंड्स, और इसका यूज लो पावर लेजर बीम से डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स ये देखने में डिस्क की तरह दिखता है इसलिए डिस्क नाम पड़ा, और इसमें ऑप्टिकल के थ्रू ऑपरेशन होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, इसलिए ऑप्टिकल डिस्क इसे कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ और भी इसमें नए नए ऑप्टिकल डिस्क आए हैं और कब कब आए हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, पहले हमारा लेजर डिस्क। ओके फ्रेंड्स तो लेजर डिस्क का इन्वेंशन ऑलरेडी 1978 में हो चुका था। ओके फ्रेंड्स तो उसके बाद जो उस डेवलप होने के बाद आया कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके फ्रेंड्स कॉम्पैक्ट डिस्क 1982 में आ चुका था फ्रेंड्स, जिसे हम सीडी के नाम से जानते हैं। इस सीडी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके फ्रेंड्स जिन लोगों को नहीं पता वो जान ले इन चीजों को। ओके फ्रेंड्स उसी तरह है हमारा नेक्स्ट है डीवीडी, यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क। ओके फ्रेंड्स इसका दो फुल फॉर्म होता है, आप दोनों को याद रख सकते हैं। ये डीवीडी आया था 1996 में। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा ब्लू रे डिस्क, जो अभी चल रहा है लेटेस्ट है ये आया 2006 में। ओके फ्रेंड्स तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स स्क्रीन पर एक यहाँ पर डेटा डिस्क है, यहाँ डेटा डिस्क को मैग्नीफाइंग करके देखा जाता है, तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस दिखता है। इस इंटरफेस में ये दिख रहा है मैग्नीफाइंग करने पर कि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड स्क्रीन है और कई बार क्या है डार्क है फ्रेंड्स। यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग एरिया यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ डार्क प्लेस है फ्रेंड्स और यहाँ पर पिक प्लेस है। ओके फ्रेंड्स तो यहाँ ये रहा है हमारा लेजर एमिटिंग डायोड है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिख पा रहा है आपको, और यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक सेल है फ्रेंड्स। क्या होता है कि जब ये पिक वाले पॉइंट पर जाता है तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होकर के ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल में चला जाता है और वहाँ पर उसका वैल्यू बताता है फ्रेंड्स। इसी तरह ये वर्क करता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये डॉट जो है ये लेजर बीम है, ब्लू कलर का डॉट है जो। ओके फ्रेंड्स तो इस तरह ये वर्क करता है आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जहाँ पर डार्क एरिया है वहाँ पर जीरो से रिप्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप जहाँ देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का जो डार्क एरिया है ये हर एक डार्क एरिया में जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और लेजर बीम आता है डार्क एरिया रिफ्लेक्ट ना होकर के वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो ये लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल को उसका रिफ्लेक्शन नहीं मिलता है, तो ये जीरो वहां पर शो करता है। और आप राइट कर रहे हैं तो उस पर राइट होगा, रीड कर रहे हैं तो रीड होता है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, इसे वन कर रहे हैं, अगर ये पिक पर जा रहा है फ्रेंड्स, अगर ये रिफ्लेक्टेड एरिया पर जा रहा है तो उस समय क्या होता है ये वन हो जाता है। वन होने के केस में फ्रेंड्स ये फोटो इलेक्ट्रिक को सप्लाई चला जाता है यहाँ से और ये वन हो जाता है, रिफ्लेक्ट एरिया पर जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ वन हो जाता है, और डार्क एरिया में जाता है तो ये जीरो हो जाता है। तो फ्रेंड्स कोई भी डेटा जो होता है कंप्यूटर में स्टोर होता है जीरो और वन के केस में, जीरो वन यानी कि ऑन या ऑफ दो ही स्टेज होता है, ये बाइनरी केस में हमेशा कंप्यूटर वर्क करता है फ्रेंड्स, तो डेसिमल में नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर जीरो और वन, जीरो और वन के केस में कॉम्पैक्ट डिस्क में या फिर डीवीडी ब्लू रे इस तरह के डिस्क में 01 में डेटा स्टोर होते हैं। ओके फ्रेंड्स आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है कि ये देखिए फ्रेंड्स ये सबसे पहला आपको फिगर में दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये है हमारा सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, यहाँ पर इंफ्रारेड जा रहा है यहाँ पर, और ये क्या हो रहा है कि इसका जो 1.6 माइक्रोमीटर इसका बीम का डायग, और उसके बाद फ्रेंड्स ये क्या होता है इसका जो डिस्क में जो डार्क एरिया उसका साइज होता है 800 × 600 नैनोमीटर होता है। ओके फ्रेंड्स तो ये क्या थोड़ा बड़ा होता है, नैनोमीटर होता है 800 × 600। ओके फ्रेंड्स एंड नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर देख रहे हैं वेवलेंथ 780 नैनोमीटर का, जो कि फ्रेंड्स लाइट इमिटिंग डायोड से निकलता है, लेजर बीम से निकलता है और ये एक रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ पर जो डार्क एरिया है उसका साइज कम हो गया, 400 × 320 नैनोमीटर रह गया फ्रेंड्स, NM यानी कि नैनोमीटर। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर डीवीडी ये यूज किया जा रहा है इसलिए यहाँ पर रेड कलर का रे निकल रहा है फ्रेंड्स। ओके और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका वेवलेंथ भी कंपेरेटिवली कम हो गया है सीडी से, 650 नैनोमीटर रह गया है। ओके फ्रेंड्स और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एरिया है, एरिया का साइज 1.1 माइक्रोमीटर रह गया है। ओके फ्रेंड्स उसी तरह यहाँ पर ब्लू रे डिस्क में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर वो डार्क एरिया का साइज और घट के और कम हो गया, 150 × 130 नैनोमीटर रह गया है। ओके फ्रेंड्स यहाँ आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स इसका जो यहाँ पर बीम का जो रे है और ये हो जा रहा है फ्रेंड्स 0.48 माइक्रोमीटर रह गया है। ओके फ्रेंड्स और बीम का जो वेवलेंथ है उसका वो क्या हो जा रहा है फ्रेंड्स, ये दोनों के कंपेयर में और कम
हो जा रहा है, यानी कि 405 नैनोमीटर हो जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, ये था आपका कंपेयर। और इसी और बता दो फ्रेंड्स, इसमें डायमीटर जो था सीडी के डायमीटर हो या डीवीडी के डायमीटर हो या फिर ब्लू रिस के डायमीटर हो, सेम होता है फ्रेंड्स, वो होता है 4.7 इंचेस। इसमें सब बराबर होते हैं फ्रेंड्स, कोई एक दूसरे से ज्यादा या कम नहीं होता है। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये हमारा सीडी जो है फर्स्ट जनरेशन का डिस्क है, डीवीडी हमारा सेकंड जनरेशन का डिस्क होता है, एंड ये जो हमारा ब्लू रे डिस्क है वो थर्ड जनरेशन डिस्क है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, हमारा फ्यूचर में आने वाला है फ्रेंड्स फोर्थ जनरेशन का डिस्क, जिसे कहते हैं हम अल्ट्रा HD ब्लू रे डिस्क। ओके फ्रेंड्स, वो फ्यूचर में आने वाला है फ्रेंड्स, अभी आई थिंक नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हमारे वीडियो कर दीजिए लाइक फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के हमेशा वीडियोस देखने को मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।